हमें पकौड़े को उलटना होगा, एक तरफ मुझे लग रहा है कि पक गया है। इसमें हमने ठीक से पानी को सिखाया नहीं था इसलिए ये आवाज़ कर रहा था। हल्के हाथों से हमें सभी पकौड़े को उलट देना है। ये देखिए ये पकौड़ा बन गया है, इसे हम निकाल रहे हैं। ये गर्मा गर्म पकौड़ा बनकर शंकर निकल गया है तिल से नहाकर, और इसे धनिया पत्ती की चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।